राहुल गांधी का पीएम पर बड़ा हमला, पूछ लिया ये बड़ा सवाल, जाने राहुल ने क्यों कही ये बात। कांग्रेस को फिर से मजबूत करने और राहुल गांधी की छवि सुधारने के लिए कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा अभी केरल में है, जहां राहुल गांधी तमाम लोगों से मिल रहे हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया में आ रही हैं जिसमें राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर निशाना साधना नहीं भूलते। एक बार फिर देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। भारत जोड़ो यात्रा के 9वें दिन करुणापल्ली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति इस देश के एक नेता का घनिष्ठ है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि भारत में इस दुनिया का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति है तो हमारे यहाँ बेरोजगारी की ऊंची दरों में एक क्यों है? लाखों भारतीय बेरोजगार हैं, उसका कारण ये है कि सरकार की रुचि बस कुछ उद्योगपतियों को बचाने में है। गौर हो कि देश में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसके अलावा रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों के दामों में काफी उछाल देखने को मिल रहा है, तो वहीं घरेलू सिलेंडर की कमी हर महीने बढ़ रही है। इस वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी से एक बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा, मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछता हूं, यदि भारत में इस दुनिया का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति है तो हमारे यहां बेरोजगारी की ऊंची दरों में एक क्यों है? लाखों भारतीय बेरोजगार हैं, उसका कारण ये है कि सरकार की रुचि बस कुछ उद्योगपतियों को बचाने में है। कांग्रेस नेता ने कहा कि विनिवेश और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण के कारण लाखों लोग नौकरी गंवा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, कौन लोग सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों को ले रहे हैं? वो देश के उन्हीं 5 या 6 उद्योगपतियों के पास जा रहे हैं जो इस सरकार से फायदा उठा रहे हैं। यात्रा का शाम का चरण चावड़ा बस स्टैंड से शुरू हुआ, जिसमें राहुल गांधी के साथ हजारों लोग थे। वो करुणापल्ली तक रुक गए। सुबह में ये यात्रा पोला थोड़ू से प्रारंभ हुई। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा इस समय केरल से गुजर रही है। ये यात्रा हर दिन 2 बैच में चलती है। पहला बैच सुबह 3.5 घंटे करीब 15 किलोमीटर चलता है, जबकि दूसरा बैच शाम के समय 3 घंटे में 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। यानी हर दिन ये यात्रा 22 से 25 किलोमीटर आगे बढ़ती है। इस यात्रा को कई खास दिनों पर गैप दिया गया है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।